भाई भाई बहुत सच में यार, मस्त है यार, आपका म्यूजिक का सेंस बहुत सही है, वो मतलब मेरे को बहुत पसंद है। खाण्याचे वांदे पण आपली स्वप्न मोठी, लॉटरी तिकीटवर आपली फुल आशा होती, गणपती मध्ये खेळतो चमचा गोटी, संडेला दुपारी पाहिजे मटन बोटी, तुमची मेहनत कमी तुमची किस्मत खोटी, पाटी लागला शनी ज्योतिषाला दिला मी तर काना खाला। लेकिन बता आज क्या कौन मिला है तेरे को? आज हमारे सामने एक बड़े स्टार है। आम्ही जस्ट जात होतो आता इथून, मी आम्ही एक रस्त्यावर आमचं काम करत होतो, तिथे एक बासुरीवाले खूप भारी वाजवतात आणि ते विकतात, सेल करतात, त्यांचे मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन देतो। भाई काय बोलू यार, नाम बोलो यार आपका। नौवर अंसारी। क्या? नौवर अंसारी। मुनव्वर भाई अंसारी। अभी वो चाय पी रहे फिलहाल, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे और उसके बाद वो एक ट्यून सुनाएंगे हमको। मजा आ जाएगा। मैंने तू कब सुन रहा हूँ? मैं एक्चुअली क्या हुआ था मालूम है, मैं जो क्लासेस चालू किया था आपलं ऑफिस है, ऑफिसच्या बाहेर चायची टपरी आहे, तर चायच्या टपरीवरती आम्हाला बासुरीवाले भेटले आणि दादा खूप उत्तम गातात, म्हणजे वाजवतात, असे गातात, आम्हाला असं पण येत नाही। बासुरी दाखवतो मी तुम्हाला त्यांचा, किती आहे त्या भरपूर आहेत भाई। आप एक्झॅक्टली कहाँ से हो? कहाँ से? यूपी से। यूपी से? कितने टाइम से हो आप? 92 से यही कर रहे हो? मतलब बीच में कंपनी बंद हो गई थी, स्टील कंपनी का काम था, वो भी बंद हो गया, फिर ये बासुरी उठाया, 6-7 साल हो गए इसमें। और इंस्ट्रूमेंट मतलब म्यूजिक का जो आपका नॉलेज है, मतलब जो आप बजाते हो, सारे गमा फैमिली में म्यूजिशियंस है सर? नहीं नहीं, सिर्फ मैं आता हूं। क्या बात कर रहे हो, तो आपने खुद ही सीखा ये? खुद सीखा। तो क्या आपको क्या लगता है क्रैक कैसे, कौन कौन बजा सकता है? जो कोशिश करेगा वही बजा सकेगा, जो कोशिश करेगा वही बजा सकेगा। सारे गमा चाय के साथ संगीत हो जाए भाई भाई भाई, मस्त बजा यार। सरगम पे सिर्फ सारे गामा पदा निशा उसी पे सब बजेगा, पूरी संगीत। आपने ये सीखा नहीं? हमने पहले ऐसा बजाता था। बस उसके बाद? फिर उसके बाद ही रख तीसरी होगी। हाँ तीसरी आ गई। धीरे 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 सर कम बजाया। एक बार सरगम जो ट्यून सुनेगा उसको ट्यून बजा देगा। अच्छा, मतलब आप कोई भी, अभी मैं तुमको एक कोई भी गाना बता दूंगा, आप गा बजा लो कोई भी गाना। क्या बात, नया रहेगा तो उसको थोड़ा टाइम जाएगा, 10 दिन 15 दिन महीना, और जूना रहेगा तो ट्यून मिलेगा अपने को, ढंग से बजेगा। जूना जूना एक हो जाए कोई कौन सा।
भाई भाई बहुत सच में यार मस्त है यार, आपका म्यूजिक का सेंस बहुत सही है, वो मतलब मेरे को बहुत पसंद है। अरे ऑलरेडी हम लोग के स्टूडियो में ना इंस्ट्रूमेंट्स है, कभी अगर आओगे इधर से जाते हो तो सेक्टर 9 में आके जाना, यही आते रहते हो यहाँ पे आप? इनका नंबर ले दो। संध्या क्या बोलने लगे भाई, क्या नॉलेज था उसका? नॉलेज मतलब इतना समझ में आ गया कि भाई हर एक बंदे में यहाँ पे टैलेंट है 100%। मेरे को सबसे यूनिक चीज़ क्या लगा लेकिन अभी भी एक्चुअली वो मार्केट एरिया है, ये पूरा मार्केट एरिया है, अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ से पूरा जा रहा है, सगळं मार्केटचं आहे, आणि त्याच्यामध्ये तो माणूस त्याची बासरीचं पूर्ण बोजा घेऊन विकत चाललाय बट त्याला जर कोणी ऐकलं चालताना आजूबाजून जाताना तो थांबणार थोडा वेळ आणि ऐकणार, इतकं मेलोवालं वाजवतो आज, म्हणजे मी आलो आणि चंद्र तिथे बोलत होता तेवढ्यात अचानक मध्ये आवाज आला, आम्हाला कोणतरी फ्लूट वाजवतो, चहा प्यायला थांबलेला तो त्या बिचाराला आम्ही चहा पण पिऊन नाही दिला बट पूर्ण आखा थंड झाल्यानंतर चहा पिला त्याने, पण भाई मस्त बजाय रे उसने, और उसके पहले भी उसने दो तीन ट्रॅक बजाय जो उन्होंने रेकॉर्ड नहीं किए बट जो भी रेकॉर्ड हुआ और सही है यार, ऐसा कोई भी दिखा ना तो तुम लोग खरीदोगे नहीं खरीदोगे वो आगे का बात है, तुम्ही विकत घ्या त्यांची गोष्ट नका घेऊ बट त्यांना ऐकल कधी तुम्ही, ऐका त्याच्या टॅलेंटला वाव द्या, अरे हो एपिक आहे, तिकडे जे पैशापेक्षा त्याला टॅलेंटला वाव दिलेला ते त्याच्यासाठी भरपूर झालं, येस हे असे ब्लॉग अचानक सुस्तात कंटेंट नाही आपल्याकडे मराठी माणूस मी मराठी माणूस।